Now, if we look at appendix two, ये आपका मे जून का पेपर है ट्वेंटी ट्वेंटी टू का टू टू वेरियंट ओ लेवल है अच्छा इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इनवेंट्री अकाउंट रिसीवेबल कैश तो ये ज्यादातर आपको जो है ना इनकम स्टेटमेंट की नहीं है वैल्यूज ये आपकी बैलेंस शीट की वैल्यूज है अगर आपकी बैलेंस शीट की वैल्यूज है तो आप देखो आप कौन सी कैलकुलेशन इसमें कर सकते हो तो एक तो उन्होंने दो आपको सीधे सी बता दी है कि ये क्वेश्चन मार्क्स नजर आ रहे हैं अगर क्वेश्चन मार्क्स नजर कैलकुलेट करना है, तो ये आपको उन्होंने एक हिंट कैलकुलेट तो करनी है कि टेबल में नहीं लिखा होगा वो उन्होंने एक अलग स्टेटमेंट दी होगी कि कारन ट्रेशो एन एसिड टेस्टोर ट्वेंटी है वो उसको जो है आप आ, 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 बस वहां पे स्टेटमेंट दे दी होगी कि वो टू थी और वो वन थी ठीक है तो वहां पे यू माइट थिंक कि अच्छा मुझे कैलकुलेट करनी है यू माइट गेट कि पता नहीं मैंने क्या करना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या कैलकुलेट करना है यहाँ तो पता चल गया जस्ट लुक एट दीज वैल्यूज अब इसमें आपके पास चार पांच कैलकुलेशन तो है आपकी जो पांच रेशोज हैं ठीक है आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो है वो रेशो प्लस आपकी जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो है आपकी नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो है प्लस आपकी कारंट रेश रेस्ट रेशो, रेशो, रेशो तो ये तो पांच उसके अलावा आपके पास वर्किंग कैपिटल ठीक है तो ये अगर हम छह चीजें या ब्रेक इवन है ब्रेक इवन तो आपको स्ट्रेट वे पता चल जाएगा क्योंकि वो बात ही ऐसी कर रहे होंगे ब्रेक इवन वाली कहीं ना कहीं मेंशन आ जाएगा बाकियों में कैसे पता चलेगा अब पे मैं की कैलकुलेट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास नेट प्रॉफिट नहीं है मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन है और शेयर होल्डर इक्विटी है मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉय बन जाएगा बट उसका जो न्यूमरेटर होगा वो नहीं है मेरे पास आई डोंट डोंट हैव हैव सेल्स रेवेन्यू आई नेट प्रॉफिट तो मैं

अब आप अगर सिंपली ये देखो अगर आप मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी दिखाऊं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ताकि आप बाकी जो भी क्वेश्चंस करो उनको थोड़ा सा ये uh, समझ सको कि मैंने किस तरह करना है एक second, अच्छा जी ये देखो अगर मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया था आपको समझाने के लिए अब लेवल वन इन्होंने लिखा होता है तो लेवल का क्या मतलब है लेवल वन का मतलब है कि आपने सिर्फ जो स्टेटमेंट्स है ना वो रिपीट कर दिए रिसीवेबल्स हैज बाय है मिलियन ओके सो इट रियली टेल मी मच इज इट अ गुड थिंग बैड थिंग वाई आर इवन टॉकिंग अबाउट इट वेयर जब आप यहां बात करते हो अकाउंट रिसीवेबल हैज इंक्रीज बाय थ्री मिलियन वट इज दैट मीन मोर कस्टमर्स आर अलाउड क्रेडिट और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आर अलाउड अ लॉन्गर पीरियड टू पे ठीक है सो इट कूल्सो मीन दैट देर मोर कस्टमर्स कस्टमर्सिंग इन टू दिजनेस जिनको आपने सबको क्रेडिट दिया तो ओवरऑल रिसीवेबल आपके ज्यादा सो so आपने जब तक उसको एक्सप्लेन नहीं करना आप डिस्क्रिप्शन में ही रहते हो और जब आप डिस्क्रिप्शन में रहते हो आप लेवल वन में रहते हो एंड यू कैन नॉट स्कोर मोर देन असर सेवन आउट ऑफ ट्वेल्व अगेन जब आपने कंपेयर किया अब आपने उन्होंने ये आपको वो नहीं दिखाया कि रेशो निकाली है बट ये yes, जब आपने यहां पे करंट रेशो निकाली है तो रेशो ऑलरेडी टू थी वो ऑलरेडी काफी हायर बॉर्डर के ऊपर थी ठीक है अब उन्होंने क्या कहा कहा है उन्होंने करंट रेशो इन ट्वेंटी इन्वेस्टेड इन मोर प्रॉफिटेबल और मोर एफिशिएंटली ताकि बिजनेस को फायदा होता उसका आपने उसको पूरा वो एक्सप्लेन कर दिया फिर आपने के बारे में किया और फिर उन्होंने क्या किया है लिक्विडिटी सीम्स टू बी सफिशिएंट टू इनकरेज बैंक्स टू इंक्रीज द लोन्स टू पे फॉर द टेन मिलियन एक्सपेंशन टेन मिलियन चाहिए थे उनको वो केस स्टडी को उन्होंने रेफर किया चीजों के साथ अब यहां पर आप कंक्लूजन देखो इट इज इन अ गुड पोजिशन टू बी एबल टू एक्सपैंड एंड फंड सम ऑफ द टेन मिलियन डॉलर फॉर एक्सपेंशन आउट ऑफ इट्स ओन फंड इट डज नॉट लुक लाइकली टू हैव अ लिक्विडिटी प्रॉब्लम एज इट क्योंकि क्वेश्चन क्या बात कर रहा था

Uh, आपका जो कैपिटल है आपका यू नो करंट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ कर लो फिर आपके जो ब्रेक इवन है उसके जो फॉर्मुल हैं और अगर आपको ब्रेक इवन बनाने के लिए आ जाता है तो आपने उसको फॉर्मूला मेथड के साथ फिर भी चेक कर लेना है ठीक है कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा ओके यस लीना यू हैव अ क्वेश्चन और एक वैल्यू में नहीं लगाते हैं तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी कैलकुलेशन से तो आपने कुछ भी कर सकते हैं मिलियंस में अगर आपने लिखना है तो मेक श्योर यू राइट एम और एम आई एल लिख दो कुछ भी जो भी आपको कम्फर्टेबल लगता है जो भी आप करते रहे हो बिकॉज इस टाइम पे ना चेंजेस मत करना

क्योंकि वो भी घुमा घुमा के ना चीजें चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा आपको टेस्ट करने के लिए कि बच्चे के क्या नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जा रही है इसके अंदर अगर आप ये देखो जो हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन किया है पहला वाला फोर रीजन कम्युनिकेशन बिटवीन दी ओनर एंड एम्प्लॉय इन अ बिजनेस इज इम्पोर्टेंट सो नो मार्क्स फॉर एप्लीकेशन है ठीक है इसमें एप्लीकेशन की मार्क्स ही नहीं है और अगर यहाँ पे होता कि फोर रीजन वाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन बेथनी एंड हर एम्प्लॉयज इज इम्पोर्टेंट टू द बिजनेस फिर आपने हर एक्सप्लेनेशन में उसको बेथनी को स्पा को ट्रीटमेंट्स को कोम्पिटिशन को सोल ट्रेडर दस साल से काम हो रहा है कुछ ना कुछ उसके अंदर मेंशन करना था अदरवाइज आपको इसके वन मार्क नहीं मिलते ठीक है सो इज कि यहाँ पे जो फोर अपॉइंटर्स वाले ना उसमें मोस्टली अगर आप देखोगे कि उन्होंने एप्लीकेशन हटा दी है क्योंकि वो उतना मुश्किल था कि एक नंबर का एक्सप्लेनेशन है वो उसमें एक्सप्लेन भी करो और एप्लीकेशन भी करो एप्लीकेशन फ्रॉम अ फोर फैक्टर लेकिन जहां पर ये वाला क्वेश्चन आता है जहां पर टू है उन्होंने एप्लीकेशन जरूर दी होती है तो वो आपने थोड़ा सा माइंडफुल रहना है उसके अंदर और पार्ट बी में तो हमेशा हमेशा होती है एप्लीकेशन ठीक है ओके यस लीना यू हैव अनाद क्वेश्चन Yes, miss. my last question is ki, for instance, if we get this part where there's no application, so you told me for an eight mark question, there's two marks for application, and for a 12 mark question, there's two marks for application again. So, if this is not happening, that means the total will if you consider it that way. वो कोई ना कोई जैसे क्वेश्चन और होगा कैल्कुलेशन कांगे वो आपका इट विल ऑलवेज रिमेन ट्वेंटी आपके सिलेबस में एज एसमेंट ऑब्जेक्टिव किया सो so वो देर गड अदर क्वेश्चन जैसे वो कोई ग्राफ अगर डाल दिया है ठीक है उसमें कोई एप्लीकेशन ज्यादा डाल देंगे बिकॉज ऑफकोर्स ग्राफ तो एप्लीकेशन के बगैर हो ही नहीं सकता to <laughs> a mm -hmm. general answer mm -hmm. so fine question will get more marks of application yes and Some that, other person yeah. may be compensated for it because overall it will remain 20% they can't change that okay yes Amal. Well, we have another question yes miss miss what will be the advantages and disadvantages of selling goods directly to a retailer and selling directly to a wholesaler ओके okay, ये तो सिलेबस कंटेंट पे हम आ गए हैं so, सो वो डायरेक्टली व्हेन यू आर सेलिंग टू द होलसेलर होलसेलर को तो आप डायरेक्टली नहीं सेल करते वो तो एक मिडिल पर्सन आ जाती है ना मिडिल को सेल करते हो देर आर लेस ट्रांजेक्शन सो इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग रादर देन डीलिंग विद विद्स ए वन थाउजेंड रिटेलर यूर ओनली डीलिंग विद टेन होलसेलर सो इट्स ईजी ट्रांजेक्शन आपकी बेड बेड डेट्स अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो चीजें उसके अंदर वो जैसे लिखा होता है ना हमेशा की किया उसमें उनसे पेमेंट इशूज हो सकते हैं आपके लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट प्लस वाइडर रीच हो जाती है बिकॉज होल सेलर्स कैन रीच यू नो मेनी स्मॉल रिटेलर्स जो कि मैनुफैक्चर के लिए शायद फीजेबल नहीं होता और प्रैक्टिकल नहीं होता टू तो रीच डेम ठीक और अगर आप डायरेक्टली रिटेलर को सेल करते हो तो आपका जो होल सेलर का कमीशन है वो तो गायब हो जाता है वो आप डायरेक्टली यू डोंट नीड टू पे टू द होल सेलर वो डायरेक्टली या आपके पास आ जाएगा या फिर आप रिटेलर को ज्यादा इंसेंटिव दे सकते हो टू तो कीप यू हैव अनदर क्वेश्चन Uh, yes, Miss, I wanted to ask that I use the answer sheet in paper one and if I would be needing to use one in paper two. So, is that okay or do I use a blank page? Uh, Mr. Muted. You can use the blank page uh, mm -hmm. because blank page has a page number written on it, right? Yes. So, you can yes. just write like, you know, you said that up, continue okay? continued on page 11.

If you're using an extra sheet, do not forget to mention that it is continued on X, Y, Z. Yes, I mentioned it in paper one. Okay, good. Now, another thing that you should not do is, if one line left, you can write it below it. But if there is more or sometimes the question is wrong calculation is and you need to cross it out, you don't need to cross out too Just one line, laga hai, that is quite enough. And then just write continued or solved on page number this. एक्स्ट्रा शीट भी अगर आप लेते उसके ऊपर बाकी अब कहां से जाके पढ़ा ठीक है so, सो ये चीजों का आपने ख्याल रखना है एंड डू नॉट मेक एरोज राइट ऑन द टॉप राइट एट द कॉलम और जहां पे एग्जामिनर कॉम्स का वो एक कॉलम बना होता है वहां तो बिल्कुल भी नहीं लिखना डोंट इवन ट्राई टू गेट इन देयर और नीट लिखना है ताकि एग्जामिनर को समझ आए अगर दो लाइन्स तीन लाइन है यू नॉट श्योर कितना लिखना है सो डू नॉट राइट देयर आप नेक्स्ट उसके अंदर चले जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप चले जाओ आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओ डू नॉट काइंड ऑफ यू नो मेक लाइक ओवर देयर ठीक है ओके सो इफ यू डू गेट एनी मोर क्वेश्चन जहां पे मै आई मोन बी पोस्टिंग दिस वीडियो सो इफ यू हैव मोर क्वेश्चन आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग uh the specimen paper for o levels and IGCSE, the the if you don't have them already you can um, download them and use those also all right thank you so much for joining the webinar all the best take care